अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 मई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन का लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, आज आप लोग के कमेंट की एक लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चों के मन में डाउट हो गया एडमिशन से रिलेटेड कि कब से आवेदन होगा, कब तक आवेदन चलेगा, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है, तो ढेर सारे सवाल आपके मन में होंगे। कुछ बच्चों का पैसा भी फंस चुका है, ठीक है ना। तो कुछ बातें और, ये दोस्तों कल न्यूज़पेपर के माध्यम से एक अपडेट आई थी, वो अपडेट हम आपके सामने रखे थे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है शैक्षिक अर्हता को लेकर, ठीक है, आपका निवास को लेकर, आप लोगों की आयु या एज कितनी होनी चाहिए, और दोस्तों फीस क्या लगेगी, आप लोग का रजिस्ट्रेशन ये कब से शुरू होगा जो यहाँ पर आपको दिखेगा, उसके बाद आप लोगों का आगे का प्रोसेस स्टेट रैंक ये सब कैसे होगा, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, पहले आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करें, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला कमेंट हम पिक करते हैं, भैया मेरे रुपए नहीं आए तभी तक, 5000 मैंने कॉलेज चेक कराया था डाइट का, पर वो शो नहीं हुआ, तो मैंने फिर कोई कॉलेज ही नहीं चूज किया, और मेरी फीस वापस कैसे होगी, कोई आइडिया हो तो प्लीज हेल्प कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, जब भी आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो वहां पर एक चीज लिखी रहती है काउंसलिंग के टाइम, जरा वो नोटिस हम आपके सामने अभी इस वीडियो में रखेंगे, थोड़ा सा वेट करिए, सब्र करिए, इस वीडियो को लास्ट तक वो नोटिस हम आपको दिखाएंगे। अभी आप लोग जब, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो आपके सामने भी वही समस्या होगी, ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे। सर अभी सिक्स सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ तो क्या हम बीटीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं? देखिए आपको बता दें, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तो डीएलएड में आवेदन आप तभी कर सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट भी आ चुका हो। बिना रिजल्ट के कुछ काम हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अगर आप अपीयरिंग छात्र हो तो सिंपल सी बात है, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बीएड में तो कर लेंगे, लेकिन डीएलएड में नहीं कर सकते। अगला सवाल, बीटीसी में कॉलेज कैसे मिलेगा मनपसंद, और कैसे पता चलेगा कैसे कॉलेज भरना है नंबर के हिसाब से? देखिए यहाँ पर दोस्तों दो तरह के कॉलेज होते हैं बीटीसी में। एक डायट होता है जिसको हम बोलते हैं सरकारी कॉलेज, ठीक है। सरकारी कॉलेज का फायदा क्या होता है, यहाँ पर फीस एक साल की 10,200 रुपये होती है। दूसरा होता है दोस्तों हमारा प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की एक साल की फीस होती है 41,000 रुपये, बस इतना ही अंतर है। सरकारी कॉलेज में आपको रेगुलर क्लासेस करनी है, रोज जाना पड़ेगा, प्राइवेट में आप अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं, मन करे तो आप भैया सीधे पेपर देने जाइए पहले से, लेकिन आप बातचीत करके रखेंगे कॉलेज में तब ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग फर्स्ट प्रियोरिटी पर क्या रखते हैं, जैसे आप लखनऊ में रहते हो तो आपका नंबर वन पर रहेगा लखनऊ डायट, ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करते हैं सरकारी कॉलेज मिल जाए। सेकेंड में या तो आप लोग दूसरे जिले के डायट में जाइए, जैसे रायबरेली डायट हो गया पास में, या किसी और जिले के डायट में जाइए, नहीं तो सिंपल सा है। तो उसके बाद मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, डायट को ना चूज करके प्राइवेट कॉलेज ही अपने जिले का देखते हैं। लेकिन उस प्राइवेट कॉलेज में एक बार आप पहले बात कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया कॉलेज, अलॉट हो गया, तो अगर आप उसको कैंसिल करेंगे तो एक भी रुपये रिफंड नहीं होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे लास्ट में, हमने बोला है ना। सर मेरे को बीटीसी करना है, बीटीसी का फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? देखिए पिछले साल 2023 में, ठीक है, 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, ठीक है, तो अभी भी बहुत ही जल्द इस बार भी आपको ये देखने को मिलेगा। सर आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिए, अब देखिए इस बच्चे का दूसरा कोई कमेंट हमें यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है, एक बार आप फिर से कमेंट करिएगा। सर क्या हरियाणा वाले कर सकते हैं यूपी से? अब देखिए एक सवाल आ रहा है, हरियाणा के बच्चे यूपी से करना चाहते हैं। देखिए कोई भी बच्चा यूपी से डीएलएड कर सकता है, लेकिन उसके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सर नोटिफिकेशन पूरा देख के बताइए, 45% में ओबीसी एसटी एससी फिजिकल हैंडीकैप सब हो जाएगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों हम शैक्षिक अर्हता की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, क्या लिखा, जरा पढ़िएगा ध्यान से। सभी बच्चे डीएलएड प्रशिक्षण 2023 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिसको आप यूपी बोर्ड भी कह सकते हैं, यूपी बोर्ड से या सीबीएसई से या आईसीएसई से। ठीक है, आपने हाई स्कूल किया हो, 12वीं किया हो, और उसके बाद देखिए, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा, न्यूनतम आपका दोस्तों जो ग्रेजुएशन है न्यूनतम 50%। ठीक है, अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थी न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिलेगी। ये देखिए एकदम क्लियर है ना, 5% की छूट यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो बाकी कैटेगरी के लिए 45% है, लेकिन दोस्तों जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कह सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई प्रावधान हमें अलग से नजर नहीं आ रहा है। तो ये समझ लीजिए, अगर आप उस जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आपका 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के बच्चे, एसटी कैटेगरी के बच्चे, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन के बच्चों को 45% तक भी आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, बाकी सभी का। अब दोस्तों एज लिमिट में क्या मैटर रहता है, मिनिमम आप 18 साल में एडमिशन के पात्र होंगे, मैक्सिमम 35 साल। अब देखिए शिक्षक भर्ती नहीं आती तो फिर शिक्षक बनने के लिए भी एक नियम होता है कि आप इस एज तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो ये मैटर ध्यान दीजिएगा अगर आपकी एज 35 साल है और आज आप एडमिशन लेने जा रहे हो। ठीक है, अपनी एज का थोड़ा पता रखेंगे। चलिए बात है निवास को लेकर, हरियाणा के बच्चे का कमेंट था। तो देखिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो, प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखित जांच में उत्तर प्रदेश अभ्यर्थी को मतलब उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। एकदम क्लियर शब्दों में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए अगर आप लोग यूपी डीएलएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या है गाइडलाइंस, ये सब है। ठीक है, तो ये सब देखिए, सबसे पहले जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के पार्ट 1 में ही आपका ग्रेजुएशन का नंबर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नंबर नहीं डालेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बात भी आपके यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है ना, बाकी आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा, प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। तो चलिए और बच्चों के कमेंट्स देखते हैं। बाकी देखिए कमेंट से क्या होता, फायदा होता है ना, आपके जैसे जितने भी बच्चे हैं सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल रहता है, तो बड़े ही आसानी से कमेंट में आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया। सर यूपी में एडमिशन फॉर्म कब तक आएंगे? देखिए दोस्तों मई के लास्ट तक तो आ जाने चाहिए और जून में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है इस बार, यूपी डीएलएड का फॉर्म कब आएगा, ये दोस्तों मई के लास्ट या जून में। सर बीटीसी का एडमिशन कब से भरे जाएंगे? सभी बच्चों के मन में देखिए कि फॉर्म कब आएगा। ठीक है, आप देखिए लंबी लिस्ट यहाँ पर लगी है, तो यही मई का लास्ट महीना होगा हमारा जब हमें नोटिफिकेशन मिलेगा और जून में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सर प्राइवेट कॉलेज और डायट दोनों कॉलेज का फॉर्म एक ही भरा जाएगा कि अलग अलग? देखिए कॉलेज का फॉर्म एक ही भरा जाता है, बस मेरिट के आधार पर यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस होता है। जिस भी बच्चे की मेरिट ज़्यादा होती है उसको सरकारी कॉलेज मिलता है, जिन भी बच्चों के नंबर कम होते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, बस ये बात है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा अलग नहीं रहता है। शपथ पत्र कब बनेगा, कहाँ पे बनेगा? ये दोस्तों आपके कॉलेज वाले बनवा देंगे, इसकी टेंशन आप नहीं लेंगे, कॉलेज से संपर्क बनाएंगे। गुड मॉर्निंग सर, तो वेरी गुड मॉर्निंग। सर प्रत्यावेदन वालों का मौका मिलेगा? देखिए ये वो बच्चे हैं जब डीएलएड कर रहे हैं और किसी भी विषय में इन बच्चों की 3 बार बैक लग चुकी है, फेल हो चुके हैं, मतलब एक ही विषय में लगातार, तो चौथी बार दोस्तों आपको ऐसे मौका नहीं मिलता, तो वही उनका सवाल है। तो देखिए जब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो उम्मीद है तब तक कुछ ना कुछ अपडेट पीएनपी की तरफ से आनी चाहिए। 2024 का डीएलएड का रजिस्ट्रेशन कब होगा? बस जून में आवेदन की पूरी उम्मीद है। थैंक यू सर, ठीक है, वेलकम। इस बार सीजीपीए में रिजल्ट आया ग्रेजुएशन का, तो डीएलएड में फॉर्म कैसे भरे? देखिए जो सीजीपीए का रिजल्ट है उसको आप परसेंटेज में निकाल लीजिए, कॉलेज के माध्यम से पता कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर नंबर होने चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। हमारी डीएलएड का स्कॉलरशिप नहीं आया। अब आप में से काफी बच्चे डीएलएड में आवेदन कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि स्कॉलरशिप हमें मिलेगी, तो कुछ ऐसे बच्चे यहाँ पर देखिए, इसीलिए हम लाइव कमेंट आपके सामने रखते हैं कि आपको पता तो चले कि स्कॉलरशिप कुछ बच्चों की नहीं भी आएगी। 100% बच्चों की स्कॉलरशिप कभी नहीं आती, हो सकता है कि आपकी आज आप किस्मत वाले, कुछ की नहीं आएगी। गैप सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी और नॉट? ठीक है, ये कॉलेज वाले दोस्तों आपको बताएंगे, वैसे
जरूरत यहाँ पर वैसे पढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन का डेट कब? वही मई के लास्ट, और आवेदन जून में ही होगा सर। 2024 में यूपी डीलेट 2024। जनरल वालों का कितना नंबर होना चाहिए सर? देखिए जनरल कैटेगरी से अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं, ठीक है ना, तो 235 प्लस मिनिमम 240 तक आपके जाते नंबर। ओबीसी में 225 से लेकर 235 प्लस। ओबीसी में आप 235 में जाइए, ईडब्ल्यूएस में 235 प्लस, और जनरल में मिनिमम 240 प्लस पर आपका लगभग लगभग 99% ये सब चांस बता रहे हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज तो भैया 200 में भी है। अगला कमेंट देखते हैं। ओ नो, अगर उस टाइम तक हमारा रिजल्ट नहीं आया फिर हमें 1 ईयर वेट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। बिल्कुल जी हाँ, आवेदन करने की लास्ट डेट तक अगर आप लोग का रिजल्ट नहीं आता तो फिर आपको अगले साल 2025 में आप आवेदन कर पाएंगे। तो वेट करिए कि, और ये सोचिए कि थोड़ा लेट हो जाए तो आपको फायदा मिलेगा। प्लीज सर, थर्ड सेमेस्टर वालों जिनका 3 बार बैक, मतलब थर्ड में मौका मिलेगा हम लोगों के लिए, आवाज़ उठाइए नहीं तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो कंप्लीट वीडियो रहेगी डीएलएड एग्जाम डेट में हम लोग देखेंगे, या फिलहाल एडमिशन की सारी बातें हो रही हैं, ठीक है ना। 2018 बैच थर्ड सेमेस्टर में बैक है मैथ में 3 बार, प्रत्यावेदन स्टूडेंट प्लीज सर हम लोगों के लिए। वही हमने बोला ना कि अगर आपकी बैक 3 बार लग गई तो चौथी बार आपको प्रत्यावेदन से मौका मिलता है। सर, यूपी डीलेट 2024 में एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं? तो एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों उम्मीद है वैसे कम ही रहती है, ठीक है, आपका मेरिट के आधार पर ही एडमिशन हो जाएगा तो बढ़िया है। एंट्रेंस एग्जाम कोई मतलब नहीं बनता है वैसे, वैसे बीएड में तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है ना, तो डीएलएड में ना ही हो तो सही, कम से कम आप लोग हाई स्कूल में जो इतनी मेहनत की है 12वीं में ग्रेजुएशन में उसका फायदा आपको यहाँ पर मिले। और आप लोग कमेंट भी करिएगा कुछ बच्चे कि क्या मेरिट से एडमिशन हो चाहिए होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, देखते हैं आप लोग का क्या फीडबैक आता है। अगला कमेंट देखते हैं। सर, सेकेंड सेमेस्टर में मैथ बैक है तो क्या थर्ड सेम में वो भर सकता हूँ? देखिए अभी क्या है ना, फर्स्ट और थर्ड का पेपर होगा बहुत ही जल्द, सेकेंड और फोर्थ का जब आपका पेपर होगा तभी तो आप सेकेंड का पेपर देंगे ना बैक। अगला सवाल, सर मेरा ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट में नंबर ऐड ही नहीं हुआ, उसके लिए बैक पेपर देना पड़ेगा और अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है। देखिए एक बात समझ लीजिए, जब आप लोग डीएलएड में आवेदन करते हैं वहाँ ग्रेजुएशन के क्लियर नंबर पूछे जाते हैं, आपके 1800 में से मान लेते टोटल है आपके 950 बन रहे हैं, 951 बन रहे हैं, क्लियर आपको बताना पड़ेगा, एक एक नंबर की वैल्यू होती है क्योंकि यहाँ पर एडमिशन का बेस मेरिट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सर, 10वीं 12वीं में कितना परसेंटेज रहे तो प्राइवेट में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज बता दीजिए। ठीक है, तो 10वीं 12वीं से कोई मतलब नहीं है, मेन आपका ग्रेजुएशन से मतलब होता है, ठीक है ना, 10वीं 12वीं को लेकर कुछ अलग से लिखा नहीं गया। सर, अभी बीए का 6 सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है हमारा, 28 मई तक होगा, जून में रिजल्ट आएगा, बस यही मनाई कि जब रिजल्ट आए आपका बीए का उससे पहले, ठीक है, आवेदन की डेट खत्म ना हो, नहीं तो फिर आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। सर, अगर हमें मतलब फाइनल कॉलेज चूज करके लॉक कर देते हैं तो उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, अभी हम डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको दिखा देंगे। अगला सवाल, सर यूपी में डीएलएड करने के बाद क्लास 1 टू 5 से लेकर 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हैं? मैं बीएससी एग्रीकल्चर से हूँ, ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है जी हाँ, आप डीएलएड करने के बाद 1 से 5 के भी टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी जिसको बोला जाता है, 6 से 8 जूनियर, ठीक है, यहाँ तक आप शिक्षक बन सकते हैं। सर, ये यूपी डीएलएड बीटीसी कर लेने के बाद क्या केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, केवीएस के दोस्त अगर वैकेंसी आएगी तो आप डीएलएड करके 1 टू 5 में आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट में भी, जैसे अभी बिहार में आवेदन चल रहा है, यूपी के बच्चे जाकर नौकरी वहां पर लिए हैं, ठीक है, तो हो सकता है। सर प्लीज ये बताइए कि फॉर्म अप्लाई, ठीक है, करने के बाद कॉलेज चूज करना कैसे होता है अपने डिस्ट्रिक्ट, और ये एडवांस फीस के बारे में। देखिए दोस्तों, फीस मतलब कॉलेज चूज करने के लिए 5-6 हज़ार रुपये आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, जब अगर आपको कोई कॉलेज पसंद आ जाता है तो उसको लॉक करने के लिए भी 5 हज़ार की और पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको टोटल 10 हज़ार की पेमेंट करनी पड़ जाती है, ठीक है। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ की फीस ही 10 हज़ार दोस्तों होती है, 10 हज़ार आप एडवांस पेमेंट कर चुके होंगे तो लास्ट टाइम आपको मात्र 200 रुपये में एडमिशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या रहता है जरा देखते हैं। हेलो सर, मैं अभी बीएससी फाइनल में हूँ, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, बीएससी फाइनल के एग्जाम जून में, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? देखिए बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट के आपका एडमिशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, तो वेट करना होगा।
सर प्राइवेट और डायरेक्ट कॉलेज का फॉर्म अलग अलग बिल्कुल नहीं। 2023 में एडमिशन लिया था, अब पेपर फॉर्म भरना है। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन फॉर्म जो बच्चे पिछले साल से एडमिशन लेके बैठे हैं उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। सर BTC का फॉर्म कब से भरा जा रहा है? जून में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बात और, 77 निजी DLED कॉलेजों में प्रवेश शून्य है, 46,000 सीटें लास्ट ईयर खाली चली गई थी 2023 में भी। ठीक है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज की टेंशन नहीं लेना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप लोग, 8738079216, 8738079216। जो भी बात होंगी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक बात और, काउंसलिंग वाला मैटर आपको बता रहे थे, चलिए उसको देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखने हैं? ये दोस्त अलॉटमेंट लेटर आपको बाद में मिलेगा, आवेदन का प्रिंट आउट। ठीक है, जब आप कंप्लीट फॉर्म का लेंगे, देखिए जब आप कोई फॉर्म भर लेते हो तो यहाँ पर एक प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है ना, यहाँ से दोस्तों आप इसको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका वही हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का, ये कंप्लीट होगा। निवास प्रमाण पत्र लग जाएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा, बाकी EWS ये सब तो बाद में आपका लगेगा अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं। पहचाने तो एक आवेदन पत्र में एक शपथ पत्र लग जाएगा आपका, कुछ 1-10 रुपये वाला। ठीक है, ये बनवा लेंगे। चलिए एक और बात हम लोग इस वीडियो में देखने वाले थे, उसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आप लोग की काउंसलिंग होती है तो एक विज्ञप्ति जारी की जाती है, प्रेस नोटिस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सभी बच्चे एक साथ मतलब काउंसलिंग नहीं कराते, यहाँ पर एक अलग अलग स्टेप चलता है। जैसे पहले आपको मौका मिलेगा रैंक 1 से लेकर 20,000 तक, मतलब एक एक स्टेप आप इस हिसाब से ही आगे का प्रोसेस होगा। एक बात जरा यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र या चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पहले प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। 5,000 आप एडवांस पेमेंट करेंगे, भुगतान की पुष्टि कंफर्मेशन होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के प्रशिक्षण संस्थानों को विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि 5,000 आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। फिर देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार, ठीक है, संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, 5,000 का अलॉटमेंट लेटर में आपको पैसा भरना पड़ेगा। अब देखिए 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है, एडमिशन अगर आप नहीं लेते तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 अभ्यर्थियों को वापस नहीं की जाएगी, एवं काउंसलिंग के अग्रिम चरण में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 का भुगतान करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो भैया एक बात और यहाँ पर देखिए, एक और चीज देखिए, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखी जांच या प्रवेश हेतु उपस्थित न होने एवं प्रवेश न लिए जाने व किसी भी प्रकार की अभिलेखी विसंगति पाने पर, मान लेते आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो आपके द्वारा भुगतान किया गया अलॉटमेंट फीस 5,000 और कन्फर्मेशन फीस 5,000 को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो भैया अगर आपने एक बार पैसा दे दिया तो आपको मिलेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, आप लोग का कोई कमेंट हो तो कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।